हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये देखिए मेरे आरबीसी के सर आए हुए हैं आपके निशाब सर, और ये हम आप सबों को क्रिप्टो करेंसी क्या है, आरबीसी करेंसी क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आइए इनसे पूरी जानकारी सुनते हैं और देखते हैं। ये उसको बंद कर दीजिए, ठीक है, लीजिए लीजिए, इसको पकड़े रहिए आप पूरा। भाई क्या हाल चाल है? ठीक है सर। हमारे क्षेत्र में आपका वेलकम है। हम ऊपर वाले पे टिक कर दीजिए, ऊपर वाले पे, इस पे। माँ बाप के द्वारा सिर्फ दो ही तीन चीजें कह रही है, बेटा पढ़ाई करो और दूसरा खाना पीना खाओ, मस्त रहो, कोई लोड नहीं होता है। लेकिन एक समय आता है जब एक बहुत बड़ी पॉइंट आती है हमारे बीच में, अर्निंग का पार्ट, राइट। विद्यालय हम जाते हैं, हमें किताबी ज्ञान, किताबी नॉलेज सब मिलता है, लेकिन उसमें एक चीज का नॉलेज नहीं मिलता कि आप पैसा कैसे कमाओगे, जो कि लास्ट में सबसे बहुत और सबसे बड़ा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य होते हैं वो यही है कि पैसा कैसे कमाए, है ना। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने में टैलेंटेड होते हैं, घर से भी पैसे से मौजूद होते हैं, कुछ दो चार पाँच दस लाख रुपए घुस भी देना होते हैं, दबा के नौकरी ले जाते हैं, आराम से नौकरी करते हैं। क्या सभी को मिल जाता है? सभी को मिलता है। बाकी लोग क्या करते हैं अपने अपने हिसाब से, जिस एरिया से। अब हमारे यहाँ से क्या लोग ज्यादा अधिकतम मुंबई भागते हैं, जौनपुर वाले, जौनपुर सुल्तानपुर आसपास के जो जिले हैं वहां से लोग मुंबई भागते हैं पैसा कमाने के लिए। वहां पे बहुत सारे मिल हैं, कताई मिल है ना, लूम चलते हैं वहां पे, कपड़े की बुनाई होती है, कपड़े तैयार किए जाते हैं, लोग फिर कमाई का स्रोत देखने लगते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ हमारे बीच में दो लोग मैकेनिक हैं, आप भी मैकेनिक? हम लोग सब मैकेनिक ही हैं सर। अच्छा, 95% मैकेनिक है सर यहाँ पे। हम लोग एक दोनों सर मैकेनिक नहीं है, नहीं तो हम लोग सारा इधर दूरी है। अच्छा, हम लोग सारा मैकेनिक है। आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग है। अर्निंग का रास्ता तैयार होता है, वैसे अर्निंग के क्या सिर्फ एक ही रास्ता है कि नौकरी करना या अपना दुकान डाल देना ही? अर्निंग का एक बड़ा रास्ता है सही निवेश भी। लोग क्या करते हैं अभी तक, इंश्योरेंस, LIC वगैरह, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं यार जीवन बीमा कर लो, LIC कर लो, सरकारी है, ठीक है, डूबे गरीब भागे के नहीं आपको मिलेगा। LIC जिंदगी साथ भी जिंदगी बाद भी, मैं नहीं समझता जिंदगी के बाद में किसी चीज़ का महत्व है। जिंदगी खत्म हो गई तो बीवी बच्चे का रहना न रहना कोई मतलब नहीं। आप देख रहे हैं कैसे, जो भी महत्व है वो जिंदगी में ही है। आप अपने समय पे जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाए, जो आप करना चाहते हो वो मिल जाए। निवेश में ही हम आते हैं और कुछ पहलू पे हम यहाँ पे बात करेंगे। पहलू को कौन कौन से हैं, अर्निंग के कई पार्ट होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही जगह से अर्निंग करें। आज जो लोग बड़े हैं ना,
बड़े में कुछ किसी दो चार पांच बड़े व्यक्तियों का नाम लीजिए आप लोग, बड़े व्यक्ति जिनको आप बड़ा समझते हैं, ये अमीर हैं बड़े। बड़े में चिंता होटल वही बड़े मोदी जी। नहीं मोदी जी तो बिजनेस मैन हो गए, टाटा हो गए, अंबानी मैन है, इधर बिरला हो गया, ये सब ऐसे ये भी बड़े हैं, अमिताभ बच्चन जी भी बड़े हैं, पड़ोसी से अमीर ही तो उस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं आप। देखिए इन्होंने किया क्या, बड़े जो बिजनेसमैन है जो लोग बड़े है उन्होंने पैसा कमाया, किस चीज के लिए बड़ा पैसा कमाने के लिए उन्होंने करंट टाइम में पैसा कमाया। अमिताभ बच्चन जी शुरू से अमिताभ बच्चन नहीं थे, उनको सबसे पहले रेडियो चैनल में काम करने के लिए उनकी भारी मोटी आवाज की वजह से उनको निकाल दिया गया, लेकिन आज वो बॉलीवुड की दुनिया में बिग बी बिग बॉस सबको कहते हैं, अमिताभ बच्चन नाम है। धीरू भाई अंबानी, उनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ती थी, पैसा वो कमा करके अपने कमाई का लगभग 90% पैसा वो सिर्फ जाते थे बड़े बड़े होटलों में लोगों के बीच में चाय पीने के लिए, और वहां तो सुनते थे कि ये अमीर व्यक्ति आखिर करते क्या है, ये अमीर हैं कैसे। आप एक बार अपनी सोचिए, आप पैसा जो कमा रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, घर के खर्चा, बच्चों की फीस, अपने जरूरतों को पूरा करना, बस यही। आपने बिजनेस का कोई उद्देश्य नहीं बनाया कि हमें इससे बिजनेस भी करना चाहिए कुछ बड़ा। कुछ लोगों ने हिम्मत भी दिखाई लेकिन ऐसी जगह पे जाके तलाशने लगे जहां पे आपका पैसा गया। मैं कुछ ऐसे ही तथ्यों पे बात करने वाला हूं जहां से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा नहीं बहुत बड़ा पैसा। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, इसके बारे में बताइए कितने लोग इसको जानते हैं। ये मैंने लिखा है करेंसी, जानते हैं सर करेंसी, करेंसी करेंसी को हिंदी में मिली देता हूँ मुद्रा। हर देश की मुद्रा अलग अलग है, अपने भारत देश में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, सऊदी अरब में दिनार है, रियाल है, थाईलैंड में बाहर चलता है, हर देश में अलग अलग चलता है। इस मुद्रा के स्वरूप के विषय में बात करें, अभी आप कितने स्वरूप को जानते हैं मुद्रा की, ये मैंने लिखा है मेटल करेंसी, यानी कि धातु का सिक्का जो हम और आप यूज करते हैं, है ना। कभी पहले सिर्फ इनका ही दौर था, सिर्फ इनका ही दौर था, नोट इतने बड़े नोट नहीं थे, नोट पे इतना बड़ा नोट पे काम नहीं चलता था। फिर हमने क्या देखा, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी मतलब समझ रहे नोट, नोट। ये मेटल और पेपर क्या बताता है, ये पेपर पे बना हुआ इसलिए इसे पेपर करेंसी कहते हैं, ये सिक्को मतलब धातु पे बना हुआ इसलिए इसे मेटल करेंसी कहते हैं। आज से काफी समय पहले ये चीजें नहीं थी, मानते हैं बात को। अपना भारत देश आजाद हुआ है सन 1949 में, इसकी नींव रखी गई है रुपए पैसे की, और 1949 बाद 1955 में पहली बार नोट या सिक्का छापा गया था। 1955 में आप कोई भी सिक्का उठा लीजिए और उस पर आप देखेंगे सन पड़ा रहता है, पुराने से पुराने सिक्का खोज लीजिए, 1955 के अलावा आप उस पर 1954 तो नहीं पाएंगे। इसका नसीब सिक्के खराब नहीं दिखे, मतलब मुझे लगा सिक्का का नसीब खराब है, सन नहीं छपा, देखिए इसमें छपा 2017 लिखा हुआ है इस पर। वैसे आप कितना भी पुराना सिक्का खोज लीजिए 1955 से आगे का नहीं पाएंगे, 1954 नहीं पाएंगे, 1953 1952 नहीं पाएंगे, 1955 में सिक्का छापा गया। इससे पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या आप आज ये करते हैं कि आप एक किलो चना लेके जाइए किसी पास, बोलिए भैया एक किलो चना लो मुझे पांच किलो गेहूं, तो करते हैं नहीं, पहले होता था, पहले होता लेकिन नहीं होता है गांव में, ले जाके चावल लेके चले आते हैं, होता है गांव में, छोटे मोटे वही बता रहे हैं, सपोज में होता है
सब लोग में उतना बराबर में नहीं है, कभी कोई कर लेता होगा कहीं पे, वो दौर नहीं रहा। अब वो दौर वैसे नहीं है, समय आगे बदला। मुगलें आई थी इसी बीच में, राजा महाराजा को मोहर सोने चांदी के सिक्के चमड़े के सिक्के चला गए मुगल साम्राज्य मुगल काल में। समय के साथ साथ में परिवर्तन हुआ इनमें। यहां से आगे बढ़ करके अब एक और नई करेंसी आ गई है जिसे हम लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। कितने लोगों ने यह नाम सुना हुआ है? क्रिप्टो करेंसी कितने लोगों नाम सुना है? सर मैं तो जानता हूँ। नहीं आप लोग भी नहीं सुने, लोग छोड़ दीजिए। आपने नाम सुना सर? नहीं सुने। बिटकॉइन नाम सुना आपने? बिटकॉइन बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन इथेरियम शिबा इनू किसी इनू बेबी डॉग एडा माना मैटिक सैंड पॉलीगॉन वगैरह ये सभी क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसी क्यों? मेटल करेंसी धातु से बना हुआ, पेपर करेंसी पेपर बना हुआ, क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर के एल्गोरिथम से बनाया जाता है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं और बहुत ही सुरक्षित। ठीक है, बार्टर सिस्टम की बात करें तो उसमें